भर में बुधवार को जहां डेढ़ दिन के गणपति को धूमधाम से विदाई दी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर चार घरों में मातम छा गया। जिले के वाड़ा व विरार में गणपति विसर्जन के दौरान चार लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने देर रात सभी शव बरामद कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विरार पूर्व के ब्रिजेश्वरी रोड स्थित पारोल गांव के रहने वाले संजय हरिश्चंद पाटिल डेकोरेशन का काम करते थे। बुधवार रात वह परिवार के साथ तांसा नदी में गणपति विसर्जन के लिए गए थे। वह मूर्ति को लेकर जैसे ही नदी में उतरे, तभी उनका पैर स्लिप हो गया और वह नदी के तेज बहाव में बह गए। इसी तरह दूसरी घटना वाड़ा के कोनसई गांव स्थित वैतरणा नदी की बताई जा रही है, जहां देर रात जगत नारायण मौर्य व सूरज नंदलाल प्रजापति अपने दोस्तों के साथ विसर्जन के लिए गए थे। दोनों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी में ही उन्होंने डेढ़ दिन के गणपति की स्थापना की थी। तीसरी घटना वाड़ा के गोहे इलाके की है, जहां प्रकाश नारायण ठाकरे अपने परिवार के लोगों के साथ गणपति विसर्जन के लिए स्थानीय गोहे तालाब में गए थे। विसर्जन के दौरान दुर्घटना घट गई, वह अचानक तालाब में गिर पड़े और उनकी डूबने से मौत हो गई। वसई विरार से प्रीति यादव की एक रिपोर्ट।